सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। 5 जजों की पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। कोर्ट ने सभी योजनाओं के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दी है। आधार देना होगा और आधार ना हो तो एनरोलमेंट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया है और आधार की वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया है और आधार की वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई करेगी। इसी के साथ मैं मोना शर्मा, कैमरामैन अजीत के साथ, अराइव 24 न्यूज, दिल्ली। चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हो, जानिए क्यों। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि अगर गुजरात में मोदी की बड़ी जीत मिलती है तो उनका आर्थिक रिफॉर्म का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसका इंतजार ही चीनी कंपनियां कर रही हैं। चीन की ओर से पिछले काफी समय से भारत में निवेश की मात्रा बढ़ी है। आपको बता दें, चीन की ओर से पिछले काफी समय से भारत में निवेश की मात्रा बढ़ी है। इसी के साथ मैं अंशिका, कैमरा पर्सन अजीत के साथ, अराइव 24 न्यूज, दिल्ली। व्यापम घोटाले से हुई सैकड़ों छात्रों के भविष्य की सामूहिक हत्या। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। 490 लोगों के खिलाफ दायर चार्जशीट में सीएम का नाम नहीं है। चार्जशीट दायर होने के बाद चौहान ने कहा सत्य की जीत हुई। वहीं विपक्ष और मामले में विहिसर ब्लोअर एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। व्यापम एक बड़ा घोटाला है जिसके जरिए आरोपियों ने भले ही किसी की जिंदगी नहीं छीनी, लेकिन सैकड़ों छात्रों के भविष्य की सामूहिक हत्या की है। इसी के साथ मैं सदफ खान, कैमरा पर्सन अजीत के साथ, अराइव 24 न्यूज, दिल्ली। गुजरात चुनावों के एग्जिट पोल सामने हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में फिर से बीजेपी के आसार वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मोदी का हाल है, वहां का एग्जिट पोल क्या कहता है, इस एक्सक्लूसिव में आपको बताते हैं। एग्जिट पोल ने एक बार फिर से दिखा दिया कि मोदी के गुजरात मॉडल के सामने हर मुद्दा बौना है। गुजरात चुनाव से पहले ध्रुव तारे की तरह चमके हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी भी इतिहास की बात करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में सवाल है कि क्या पाटीदार के सवाल मोदी के विकास फॉर्मूले के सामने थम गए। कैमरामैन सिवा के साथ, अराइव 24 न्यूज, दिल्ली। हिटमैन रोहित ने इस साल 1286 गेंदों में ठोके 1286 रन, ऐसे मनाया जश्न। हिटमैन रोहित शर्मा की तीसरी डबल सेंचुरी वर्ल्ड क्रिकेट की सुर्खियों में है। श्रीलंका के खिलाफ मोहाली वनडे में नाबाद 208 रनों की तूफानी पारी की बदौलत इस साल सर्वाधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर मजबूत हो गए हैं। रोहित ने मौजूदा कैलेंडर ईयर में विराट कोहली 1460 रन के बाद सर्वाधिक रन बनाए हैं। आपको बता दें, रोहित ने मौजूदा कैलेंडर ईयर में विराट कोहली 1460 रन के बाद सर्वाधिक 1286 रन बनाए हैं। मैं फैजान, कैमरामैन अजीत के साथ, अराइव 24 न्यूज़, दिल्ली।